द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल, आई होप दैट यू आर इन अ गुड बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट। दिस इज मी अब्दुल रहमान यासीन और आपके सामने बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू? जॉब स्कोप, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का करते हैं आगाज। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टडी किस चीज़ की है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको मिसाल से और आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ देसी अल्फाज के अंदर। वो ये है जी कि जितनी भी सोसाइटीज़ बनती हैं, आपने इन सोसाइटीज़ के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि बड़ा डिसिप्लिन होता है। जैसा घर एक है दूसरा भी वैसा ही है मैक्सिमम सोसाइटीज़ में, और उनमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। सारी सोसाइटीज़ एक लेवल की हैं, सारी सोसाइटी की जो लेंथ विड्थ हर चीज़ एक जैसी है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टावर्स कैसे खड़े हो जाते हैं जी, ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी कैसे खड़ी हो जाती है? अच्छा, आम घरों के अंदर आपने हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो ये होगा मैक्सिमम का, या जो घर बनाते हैं जो मजदूर मिस्त्रियों का काम है, ठीक है जी, ये मिस्त्री लोग बना लेते हैं, मजदूर बना लेते हैं। याद रहे, ये छोटे मोटे घरों बनाने के लिए ये चल जाते हैं। लेकिन बड़ी जो बिल्डिंग्स चलती हैं, जो 100 मंजिला बिल्डिंग, 10 मंजिला बिल्डिंग, 20 मंजिला बिल्डिंग, टावर्स, एयरपोर्ट लगा लें, डैम्स लगा लें, ट्रिब्यूनल लगा लें, ये कैसे, ये किसकी वजह से बनते हैं? इन तमाम घर के पीछे एक है, कौन है जी? सिविल इंजीनियर्स हैं। ये सिविल इंजीनियर्स की महरूने मिन्नत है, ठीक है जी। सोसाइटीज़ एक यानी कि ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, किसी फील्ड है जी कंस्ट्रक्शन, ये वर्ड मैंने यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन की ये फील्ड है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन ट्रिब्यूनल की हो सकती है, डैम की हो सकती है, सोसाइटीज़ की हो सकती है, टावर्स की हो सकती है, बिल्डिंग्स की हो सकती है, ठीक है जी। जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट काम है किसका जी? सिविल इंजीनियर का। और सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है पाकिस्तान के साथ साथ जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं, बैरून मालिक के अंदर, तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर, इसकी जो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये बढ़ते हुए दौर के अंदर, बढ़ती हुई सोसाइटीज़ के अंदर, जहाँ पर सोसाइटी का रुझान बढ़ता जा रहा है, गाँव देहातों में भी सोसाइटीज़ का जो है ना वो बड़ा रुझान है, वहाँ पर सोसाइटीज़ बन रही हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर एंगल से देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप पाकिस्तान में भी भर रहा है, ठीक है जी। ये मैंने बताया कि इस चीज़ की स्टडी है, एक मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया। अब इसके लिए एडमिशन के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताऊँगा। पहली चीज़ ये है कि जी कम से कम मार्क्स 45% इन FSC प्री इंजीनियरिंग, एक चीज़। अरे दूसरी चीज़, कम से कम मार्क्स 60% इन FSC प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, ये 45% वाला मामला क्या है? चंद एक इदारे ऐसे हैं कि अगर आपके 45% तक मिनिमम मार्क्स हैं ना तो आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में नहीं। अच्छा, बास प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें 50% मार्क्स चाहिए, इससे कम होंगे एडमिशन नहीं देंगे हम, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि हर इदारे की अपनी एक मांग है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो शायद आपको कम ही बताया जाता है वो ये है कि 45% है, ठीक है जी। जो गवर्नमेंट इदारों में है, गवर्नमेंट इदारों के अंदर क्या होता है कि आपको कम से कम जो मार्क्स है वो 60% हो मिनिमम अप्लाई करने के लिए, ठीक, अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ ECAT, ठीक है जी। ECAT टेस्ट होता है किसी गवर्नमेंट इदारे में, बाहर प्राइवेट इदारे भी ये डिमांड कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इदारों के लिए कंपलसरी है। जिस तरह के MBBS के लिए MD CAT है, ECAT टेस्ट देना पड़ता है आपको। ECAT टेस्ट हो फिर आपका इंटर जो FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ अच्छे मार्क्स हों तो देन आपका मेड बनता है, और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के काबिल होते हैं, ठीक है जी। टेस्ट कौन सा रिक्वायर्ड है? गवर्नमेंट इदारों के लिए ECAT टेस्ट रिक्वायर्ड है, और प्राइवेट इदारों के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट अपने लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर चाहे टेस्ट ले ले चाहे टेस्ट ना ले, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ सिविल इंजीनियरिंग को जो है ना वो ऑफ़र किया जा रहा है? सिविल इंजीनियरिंग के तमाम तरह इदारे देखने के लिए पूरे पाकिस्तान में कहाँ इसको ऑफ़र किया जा रहा है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है abdulrahmanfoundation.com पर। आप विज़िट करने के बाद कैरियर काउंसलिंग के सेक्शन में जाकर आप सिविल इंजीनियरिंग का पेज निकाल के आप सारी डिटेल दे सकते हैं। इजी वे है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका जो है ना वो लिंक निकाल के सारा का सारा देख सकते हैं कि कहाँ किस किस सिटी में किस किस जगह पर जो है ना सिविल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, ठीक है जी। मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स क्या हैं, सैलरी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? हर इदारे के अंदर जो है ना वो इसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है जी। डिपेंड करता है कि आप किन इदारों में आप एडमिशन ले रहे हैं, इदारे का स्टैंडर्ड क्या है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, अगर प्राइवेट है तो किस लेवल का है, तो ये फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है हर इदारे का। एक एवरेज की बात की जाए तो वो राउंड अबाउट आपका 4-6 लाख या 5-7 लाख के दरमियान लग जाता है, ठीक है। लेकिन इससे कम भी लगता है गवर्नमेंट इदारों में, इससे ज़्यादा भी लगता है प्राइवेट इदारों में, ठीक है जी। सैलरी जो आपकी स्टार्ट होती है वो अबाउट 50,000 से लेकर 1.5 लाख या आप ये देखिए, जो सैलरी का ताल्लुक होता है वो आपके माइंड से होता है, आपकी स्किल से होता है, आपके एक्सपीरियंस से होता है,
जब आप इदारे जब कोई भी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप नई नई किसी जगह पर जॉब करते हैं ना, तो एक वो वक्त जब आपकी एज 40-50 हो जाती है उस फील्ड में, तो देखिए ना फ़र्क, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ लेवल। तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी बुनियाद बढ़ती स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आपकी सैलरी बढ़ती, तो ये आप पर होता है कि आपने सैलरी कहाँ तक लेके जानी है। तो ये तो आपकी स्किल्स भी माइंड के ऊपर है। ये तमाम तरह गुफ्तगु थी जो कि सिविल इंजीनियर के मुतालिक थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.abdulrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। अब तक लिए था, मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्ल अल बलागुल मुबीन। थैंक यू।